नमस्ते बच्चों, लीप फॉर वर्ल्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा, और हर शनिवार हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियाँ और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी का आज के शनिवार कहानी सत्र में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज ये हमारा आपके साथ का दूसरा सेशन है। पहले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से मीटिंग गॉड ये कहानी देखी और उस कहानी में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को उनके अर्थों के साथ समझा। साथ ही फ्लैश कार्ड के माध्यम से डे, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, एवरी, इन शब्दों से संबंधित कुछ अन्य शब्दों को देखा और उनके अर्थ भी समझे। आने वाले हर सत्र में हम कुछ नया और मजेदार सीखेंगे। आज के सत्र में हम देखेंगे दो मजेदार कहानियाँ और कुछ नए शब्द फ्लैश कार्ड की मदद से। मैं आशा करती हूँ कि पहला सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए और देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो शुरू करते हैं फिर एक बार लाइब्रेरी बुक की स्टोरी से। ये स्टोरी है कबूतर और चींटी की, और इस कहानी का नाम है The Pigeon and the Ant। Pigeon यानी कबूतर और ant यानी कि चींटी। One sunny day, the ant was looking for water. After a while, he came near a lake. He wanted to drink water, but he couldn't reach it. Then he saw a long grass running into the water. He quickly climbed on it and walked to the water. Suddenly, he slipped and fell into the water. A pigeon flying over the lake saw him in trouble. The pigeon quickly found a leaf and left it near the ant. The ant climbed on it and the pigeon carried him by the lake. At that moment, a huntsman saw the pigeon and took out his net to catch her. The ant noticed the huntsman when he was coming towards her and bit his foot to warn. The pigeon suddenly jumped and saw the huntsman and flew away. Moral: help will eventually return to you. अभी देखते हैं कबूतर और चींटी इस कहानी का अर्थ क्या है। एक धूप भरे दिन में चींटी पानी की तलाश में थी। थोड़ी देर बाद वो एक झील के पास पहुंची। वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर उसने देखा कि एक लंबी घास पानी में जा रही है। वो जल्दी से उस पर चढ़ गई और पानी तक पहुंच गई, लेकिन अचानक वो फिसल गई और पानी में गिर गई। झील के ऊपर उड़ रहे कबूतर ने उसे मुसीबत में देखा। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता पाया और उसे चींटी के पास छोड़ दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और कबूतर ने उसे झील के किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया। उसी समय एक शिकारी ने कबूतर को देखा और उसे पकड़ने के लिए अपना जाल निकाला। जब शिकारी उसकी ओर आ रहा था, तो चींटी ने शिकारी को देखा और उसे चेतावनी देने के लिए उसके पैर पर काट लिया। कबूतर अचानक उछल पड़ा, शिकारी को देखा और उड़ गया। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? सहायता करने का फल अंततः आपको अवश्य मिलता है। बच्चों, कैसे लगी आपको कबूतर और चींटी की ये कहानी? मजा आया ना? अभी हम इस स्टोरी के कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ देखेंगे। पहला शब्द है एंटी, एंट। एंट यानी कि चींटी। आगे जाते हैं। अगला शब्द है स्लिप, SLIPPED, slipped, मतलब फिसला। अगला शब्द है पिजन, PIGEON,
पीजन यानी कि कबूतर। अगला शब्द है ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल यानी कि मुसीबत। आगे चलते हैं, अगला शब्द है मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट यानी कि क्षण। अगला शब्द है हंट्समैन, HUNTSMAN, हंट्समैन यानी कि शिकारी। अगला शब्द है नोटिस्ड, NOTICED, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। अगला शब्द है टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स यानी कि की और। अगला शब्द है WARN, वार्न, वार्न यानी कि सावधान करना। अगला शब्द है इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी कि आखिरकार। तो बच्चों, अब जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान गए हैं, तो आइए फ्लैश कार्ड के माध्यम से कुछ और शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ भी सीखते हैं। फ्लैश कार्ड नंबर 1, बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे यानी कि जन्मदिन। बर्थ मतलब जन्म और DAY डे मतलब दिन। गिफ्ट, गिफ्ट मतलब उपहार। हम किसी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट देते हैं तो उसको कहते हैं उपहार। गिफ्ट के बाद है वैक्स, वैक्स मतलब मोम। वैक्स के बाद है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग मतलब गाना। जैसे कि बर्थडे का सॉन्ग होता है, मानो शाम का बर्थडे है तो हम कैसे गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अंतिम शब्द है कैंडल, मतलब मोमबत्ती, जिसे हम बर्थडे केक पर लगाकर उसे फूंक मारते हैं, तो वो होता है कैंडल। फ्लैश कार्ड नंबर 2, CLEAN, क्लीन मतलब साफ। आगे का जो वर्ड है ब्रूम, BROOM, ब्रूम मतलब झाड़ू। अगला वर्ड है स्वीप, SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। झाड़ू मारने के प्रक्रिया को झाड़ू लगाना कहते हैं। MAID, मेड मतलब नौकरानी। SERVANT, सर्वेंट यानी कि नौकर। मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी। अंतिम शब्द है डर्टी, DIRTY, डर्टी मतलब गंदा। बढ़ते हैं आगे यानी कि फ्लैश कार्ड नंबर 3 की तरफ। करेंसी, CURRENCY, करेंसी मतलब मुद्रा। भारत देश की करेंसी क्या है, रुपी, रुपी इज अ करेंसी ऑफ इंडिया। रुपी के आगे डॉलर लिखा है, DOLLAR, डॉलर ये अमेरिका की करेंसी है। युआन, YUAN, ये चीन की करेंसी है। युआन के आगे है पाउंड, POUND, पाउंड ये इंग्लैंड की करेंसी है। पाउंड के आगे है येन, येन है जापान की करेंसी। अब चलते हैं अगले फ्लैश कार्ड की तरफ। अगला फ्लैश कार्ड है क्लासरूम, CLASSROOM, क्लासरूम मतलब कक्षा। BENCH, बेंच मतलब तख्त। अगला वर्ड है चौक, चौक मतलब खड़िया। चौक के नीचे है डस्टर, DUSTER, डस्टर मतलब धूल झाड़ने का कपड़ा। अगला शब्द है ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड मतलब शामपट। बढ़ते हैं आगे यानी कि फ्लैश कार्ड नंबर 5 पे। पहला शब्द है CLOTHES, क्लोथ्स मतलब कपड़े। इस फ्लैश कार्ड पे कपड़ों से संबंधित शब्द है। मेजर,
MEASURE मतलब नाप। जब हम टेलर के पास जाते हैं और वो हमारे हाथ पैर के मेजरमेंट लेता है तो उसे कहते हैं नापना। अगला शब्द है STITCHED स्टिच्ड मतलब सिया हुआ। सिर्फ स्टिच यानी कि STITCH स्टिच यानी कि सीना। मेजरमेंट टिप मतलब मापने की टेप या फिर पट्टी। अगला शब्द है रेडीमेड। READYMADE रेडीमेड मतलब बना बनाया या फिर तैयार। जो हम मार्केट में जाके डायरेक्ट खरीदते हैं उसे रेडीमेड यानी बना बनाया कहते हैं। रेडीमेड का विलोम शब्द क्या है? स्टिच्ड, जिसका हम नाप देते हैं और बाद में वो सिया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने फ्लैश कार्ड की मदद से कुछ शब्द देखे। अभी हम बढ़ते हैं आज के सत्र के हमारे दूसरे कहानी की तरफ। हमारी दूसरी कहानी है A Curious Mind। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। जिगर इज अ क्यूरियस बॉय हु ऑलवेज वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट एवरीथिंग ही नोटिसेस। ही वुड ऑलवेज आस्क हिज टीचर अबाउट थिंग्स ही सॉ व्हाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल और रोमिंग प्लेइंग एंड स्टडिंग। One day he noticed a white signboard with a black background. He saw this board for the very first time. Again, due to his curious nature, he reached out to his teacher. A teacher with minimal knowledge of the topic asked a local traffic police officer to visit the school and help students learn about signboards. On Monday, Mr. Chilpul Pandey arrived for a signboard workshop with charts. Mr. Pandey explained the signboards. This sign means there is a zebra crossing ahead. Another sign indicates there is a construction site. Jigar was excited about the workshop and was ready with his questions about the sign he saw that day. He pointed his finger to the sign and asked, "Mr. Pandey, what does this mean?" The officer replied, "This sign indicates a speed breaker ahead." And Mr. Pandey explained all the typical signs, which amazed the class. After the workshop, students and teachers thanked Mr. Pandey for such fantastic information. बच्चों, कैसी लगी आपको जिगर की ये क्यूरियस माइंड की स्टोरी? मजा आया ना? अभी हम देखते हैं इस स्टोरी का अर्थ क्या है। जिगर एक जिज्ञासु लड़का है जो हमेशा हर उस चीज के बारे में अधिक जानना चाहता है जिसे वो देखता है। वो हमेशा अपने शिक्षक से उन चीजों के बारे में पूछता था जो उसने स्कूल को जाते समय या घूमते समय, खेलते समय या फिर पढ़ते समय देखी होती है। एक दिन उसने काले पृष्ठभूमि के साथ एक सफेद साइनबोर्ड देखा। उसने ये बोर्ड पहली बार देखा था। अपनी जिज्ञासु प्रकृति के कारण उसने अपने शिक्षक से संपर्क किया। शिक्षक को इस विषय के बारे में कम ज्ञान होने के कारण उन्होंने स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को स्कूल में आमंत्रित किया ताकि वे छात्रों को साइनबोर्ड के बारे में सिखा सके। सोमवार को श्री चुलबुल पांडे चार्ट के साथ साइनबोर्ड कार्यशाला के लिए आए। श्री पांडे ने साइनबोर्ड्स के बारे में समझाया। ये साइन इस बात का संकेत है कि आगे एक जेब्रा क्रॉसिंग है। एक और साइन ये आपको बताता है कि आगे एक निर्माण स्थल है यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट है। जिगर इस कार्यशाला के लिए बहुत उत्साहित था और उस दिन उसने जो साइन देखा था उसके बारे में सवाल पूछने के लिए तैयार था। उसने अपनी उंगली से उस साइन की ओर इशारा करते हुए पूछा, "श्री पांडे जी, इसका क्या मतलब है?" अधिकारी ने जवाब दिया, "इस साइन का मतलब है कि आगे स्पीड ब्रेकर है।
और श्री पांडे ने सभी सामान्य साइन बोर्ड्स को समझाया, जिससे पूरी कक्षा चकित रह गई। कार्यशाला के बाद छात्रों और शिक्षकों ने श्री पांडे को इतनी शानदार जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। तो बच्चों, अभी हमने देखा द क्यूरियस माइंड का अर्थ। अभी हम देखते हैं इस स्टोरी में हमें कौन कौन से नए शब्द मिले। पहला शब्द है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस यानी कि उत्सुक। अगला शब्द है नोटिसेस, NOTICES, नोटिसेस यानी निरीक्षण करना। अगला शब्द है साइन बोर्ड, SIGNBOARD, साइन बोर्ड यानी चिन्ह का फलक। अगला शब्द है नेचर, NATURE, नेचर यानी कि स्वभाव। अगला शब्द है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज यानी कि ज्ञान। अगला शब्द है लोकल, LOCAL, लोकल यानी कि स्थानिक। अगला शब्द है विजिट, VISIT, विजिट यानी कि मिलने जाना। अगला शब्द है अराइव, ARRIVED, अराइव्ड यानी कि पहुंचना। अगला शब्द है वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला। अगला शब्द है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन यानी कि बांधकाम। अगला शब्द है एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। अगला शब्द है फिंगर, FINGER, फिंगर यानी कि उंगली। अगला शब्द है साइन, SIGN, साइन यानी कि चिन्ह। अगला शब्द है इंडिकेट्स, INDICATES, इंडिकेट्स यानी कि दर्शाना। अगला शब्द है अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड यानी कि चकित। और हमारा आज का आखिरी शब्द है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी। तो बच्चों, आज का सत्र आपको कैसा लगा? आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के सेशन में हमने फ्लैश कार्ड से शब्द पढ़े और लाइब्रेरी की किताबों से दो और नई कहानियां पढ़ी। आज के लिए ये हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।